माता की, भारत माता की। आदरणीय मंच साधु संतों के चरणों में नमन। मंच बाते विराजमान जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतागण सामने विराजे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गो, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज आपको देख करके छत्तीस कौम के लोग जिस उमंग के साथ में आप पधारे हो महासभा में, आपको खूब खूब धन्यवाद। अगले साल का ये दीपावली आने वाली है, नए साल का भी राम राम है। बंधुओं, आपने सुना बहुत बातें राजनीति की हो गई है। आप जो दानाराम जी और जीवाराम जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जनता की सेवा में है, आपने कांग्रेस का शासन देख लिया। कांग्रेस के शासन में आपके साथ में, गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में क्या घटना घटी है, बहुत दुखी है। एक एक दिन जो दुखी है वो करके निकले हैं। भ्रष्टाचार हुआ है, आतंकवाद हुआ है, सरेआम हत्या हुई है, हमारी बहन बेटियों के साथ में जो दुराचार हुए है, गरीब लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, इन सब का विवरण आपके पास में है। ज्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अभ्यास में चलते चलते हमारे दोनों नेताओं को दरकिनार करके जो घटना घटी राजनीति में, उस जो मैं उनकी बात को मैं अजमाओं के गणना करता हूँ, उसकी बात को मैं निराधार बताता हूँ, क्यों कि इन दोनों में से किसी को टिकट मिल जाता। एमपी साहब ने कहा कि मेरे को ऊपर से टिकट दे दिया है। आप लोग सब समझदार हो, कन्नी गरी नाड़ेर मेले मोटी बीवार हो तो पहला हुआ पूछे थारे दौड़ा पानी है कि नहीं है। ये टिकट दी दो, टिकट टिकट नहीं दी दो, लेकिन उन बात में वे खंडन मोहियो करो तो जबरदस्ती करने नहीं टिकट दे। आपने पूछे तो फिर थाने अगर पूछो ब्रो नहीं तो इन दोनों ने पूछत, मोहने पूछत। मारे एम आर पटेल मारे दोस्त है, ये मारा चेला है देवजी भाई, लेकिन मेरे को भी कह देते कि यह बात है तो मैं इनको कह देता, घर में कह देता, दानाराम जी जीवाराम जी कंडीशन ऐसी है, आप भी इस मौके इस बात पर मनन करते। लेकिन इन्होंने जो बात कही, अपने आप ऊपर से टिकट लाने की बात गलत है। अब भारतीय जनता पार्टी के में है, भारतीय जनता पार्टी का 9 तारीख को टिकट आया था, 20-21 दिन हुए है, हमने सब डाणी डाणी पूछ लिया है, सभी कार्यकर्ताओं का मन डटोल लिया है, एक भी कार्यकर्ता साथ में जाने को तैयार नहीं है। ये आपके इसलिए ये महापंचायत बोलाइए, हमने कहा था 30 तारीख तक हम देखते हैं। हाईकमान जो शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली बैठे हुए हैं, राजस्थान में बैठे हुए हैं, और हमारे कार्यकर्ता है, और देवजी भाई खुद इस बात को मनन कर ले कि कार्यकर्ताओं का मन नहीं है, और कार्यकर्ताओं के मन के ले पीछे मैं टिकट इनको सुपर्द कर दिया हूं। लेकिन आज फिर मैं कहता हूं, आपकी आवाज इस मंच से कहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व और देवजी भाई दोनों सुन ले कि यह टिकट अभी तक बाल है, अभी तक आप दे सकते हो इनको, इसलिए ये जनता ये बात देख रही है। तो आपका भी मान रहेगा, हमारा भी मान रहेगा, छत्तीस कौम का मान रहेगा। ये बात कहने के लिए आया हूं, भाषण देने के लिए नहीं हूं। हमने फूटती है, मेरी जवानी में 20 साल का था, मैं कांग्रेस के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूं, मेरी जिंदगी पूरी कांग्रेस के खिलाफ रही, आज भी कांग्रेस के खिलाफ मैं हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की घटना होती है उसके लिए हम दुखी है, और दुखी है। अगर आज तक कोई कार्यकर्ता वहां जाने को तैयार नहीं है, इसलिए आप सब धन्यवाद हैं। लेकिन आपको मैं फिर भी कहता हूं, आप अभी यहां आए हो जिस जोश के साथ में, इस जोश को बरकरार रखना आपका काम है, आप भूल जाओगे ऐसा नहीं है। आप यहां आए हो अपने पल्लू पे गांठ बांध के जाना कि हम आखिर शासक तक जब तक बेटी में वोट नहीं पड़े तब तक इस बात को नहीं भूलेंगे। तो इनको बोलना कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, दोनों हमारे भाई हैं, हमारा समाज ईशान सतीश कौम का खूब ईशान है, आपने इतना समर्थन दिया। ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमारे सभी वरिष्ठ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सब हमारे साथ में है। छत्तीस कौम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी संख्या में पधारे। जय हिंद, जय भारत।